इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव एवं अभयारण्य इसे तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा नेशनल पार्क और तीसरा टाइगर पार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व। छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर। इसका कुल क्षेत्रफल है 38.51 वर्ग किलोमीटर। ये मुंगेली जिला में है। इसमें से छत्तीसगढ़ में 26.53 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार अमरकंटक जो पहले अभयारण्य था उसका क्षेत्रफल था 552 वर्ग किलोमीटर और बायोस्फीयर रिजर्व का गठन 2005 में हुआ था जो कि देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है। देखते हैं छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में तीन नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर वैली नेशनल पार्क। 1978 में इंद्रावती नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था। इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। 1981 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था। इसका क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 1982 में कांगेर वैली नेशनल पार्क की स्थापना हुआ था। ये 200 वर्ग किलोमीटर में है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब देखते हैं टाइगर रिजर्व को। छत्तीसगढ़ में 2009 में छत्तीसगढ़ में सभी टाइगर रिजर्व को 2009 में घोषित किया गया। पहला है 1983 में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये बीजापुर में है। इसका क्षेत्रफल है 2799 वर्ग किलोमीटर। 1983 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। दूसरा है उदंती सीट टाइगर रिजर्व, इसका क्षेत्रफल है 1842 वर्ग किलोमीटर। ये गरियाबंद और धमतरी जिला में है। 2006 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अचानक मार, अचानक मार का क्षेत्रफल 914 वर्ग किलोमीटर है टाइगर रिजर्व का। ये मुंगेली जिला में है। 2006 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ में अभयारण्य, छत्तीसगढ़ में 11 अभयारण्य हैं। चलिए उन्हें देखते हैं विस्तार से। पहला, याद करते समय सबसे पहले इसके क्षेत्रफल को याद करें, उसके बाद इसके नामों को याद करें। पहला है 608 वर्ग किलोमीटर समोर पिंगला का। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसका निर्माण 1978 में हुआ था। ये सूरजपुर जिला में है। दूसरा 559 वर्ग किलोमीटर का सीता नदी अभयारण्य, ये धमतरी जिला में है। इसका निर्माण 1974 में हुआ था। तीसरा 552 वर्ग किलोमीटर का अचानक मार, ये मुंगेली जिला में है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। चौथा है 430 वर्ग किलोमीटर सेमर सोन, ये बलरामपुर जिला में है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। पांचवा है 278 वर्ग किलोमीटर गोमर्दा अभयारण्य, ये रायगढ़ जिला में है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। छठवा है 262 वर्ग किलोमीटर पामेड़ अभयारण्य, ये बीजापुर जिला में है। इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। सातवां है 245 वर्ग किलोमीटर बार नवा पारा, ये महासमुंद जिला में है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। आठवां है 231 वर्ग किलोमीटर उदंती अभयारण्य, ये गरियाबंद जिले में है। इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। नौवां है 164 वर्ग किलोमीटर भोरम देव अभयारण्य, ये कवर्धा जिले में है।
की स्थापना 2001 में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभ्यारण्य है, भोरमदेव अभ्यारण्य। दसवा 139 वर्ग किलोमीटर भैरमगढ़ अभ्यारण्य, ये बीजापुर जिले में है, इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। ग्यारहवा 105 वर्ग किलोमीटर बादल खोल अभ्यारण्य, ये जसपुर जिला में है, इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अब देखते हैं किस सन में किस अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था, इसे याद करते हैं। सबसे पहले 1974 में एक ही अभ्यारण्य का निर्माण हुआ था, सीता नदी अभ्यारण्य का। 1975 में तीन अभ्यारण्य बनाए गए थे, अचानक मार्ग, गोमर्दा और बादल खोल अभ्यारण्य। 1975 1976 में एक अभ्यारण्य बनाया गया, बार नवापारा। 1978 में दो अभ्यारण्य बनाया गया, तमोर पिंगला और सेमर सोन। 1983 में तीन अभ्यारण्य बनाए गए, पामेड़, उदंती और भैरमगढ़ अभ्यारण्य। 2001 में भोरमदेव अभ्यारण्य का निर्माण किया गया। तो ये है छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।